संभल जाने से सपा के डेलीगेशन को रोक दिया गया है। पुलिस ने माता प्रसाद पांडे की गाड़ी को रोक दिया, तो डीएम ने निषेधाज्ञा लागू होने का आदेश भेजा और माता प्रसाद के घर के बाहर पुलिस तैनात है। एसपी नेताओं के घर के बाहर भी पुलिस की तैनाती की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो संभल जाने से सपा डेलीगेशन को रोक दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माता प्रसाद पांडे की गाड़ी को संभल जाने से रोक दिया गया, निषेधाज्ञा के आदेश जारी होने के चलते माता प्रसाद पांडे की गाड़ी को रोका गया। बता दें कि सपा का एक डेलीगेशन संभल जाना चाह रहा था, लेकिन उस डेलीगेशन को संभल जाने से रोक दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें तेज है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल जाना चाह रहा था, तो इससे पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए सपा नेताओं का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार उनका मौलिक अधिकार छीन रही है, वो कहीं पर भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में अगर वो संभल जाना चाह रहे हैं तो सरकार को उन्हें रोकना नहीं चाहिए। बता दें कि सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और डेलीगेशन को संभल जाने से रोक दिया गया है। तो वहीं संभल जाने से रोकने पर अखिलेश यादव का पोस्ट सामने आया। उन्होंने कहा कि पाबंदी लगाना बीजेपी सरकार प्रशासन की नाकामी जाहिर करता है, तो उन्मादी नारे लगाने वालों पर पाबंदी लगानी चाहिए थी, ऐसी सख्ती पहले होती तो हिंसा ही नहीं होती। अखिलेश यादव ने यह पोस्ट किया। संभल के प्रशासनिक अफसरों पर कार्रवाई की बात भी उन्होंने अपने पोस्ट में की, तो दोषी अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज हो, ये मांग समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। तो बता दें कि आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल जाना जा रहा था। संभल में वो पीड़ितों के परिवार से मुलाकात करना चाह रहा था, लेकिन सुरक्षा मानकों के मद्देनजर सपा डेलीगेशन को संभल नहीं जाने दिया जा रहा है। सपा नेता के घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और तमाम जो नेता इस डेलीगेशन में शामिल थे उनके घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती है। माता प्रसाद पांडे की गाड़ी को भी रोका गया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने पोस्ट में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सरकार की यह नाकामी जाहिर करता है डेलीगेशन को रोकना। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संभल के अधिकारी जो दोषी हैं उन पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई यहां पर होनी चाहिए। ने ये पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि पाबंदी लगाना सरकार और प्रशासन की नाकामी को जाहिर करता है, ऐसी सख्ती पहले होती तो हिंसा ही नहीं होती। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा कि जो तमाम दोषी अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने सपा डेलीगेशन को संभल जाने से रोके जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पोस्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा, साथ ही साथ प्रशासन पर भी निशाना साधते हुए अखिलेश यादव नजर आए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगाना सरकार और प्रशासन की नाकामी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि ऐसी सख्ती अगर पहले होती तो हिंसा होती ही नहीं। तो संभल जाने से रोके जाने पर अखिलेश यादव का यह पोस्ट सामने आया है। तो समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज संभल के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन सुरक्षा मानकों के मद्देनज़र प्रशासन ने इस डेलीगेशन के संभल जाने पर रोक लगा दी।
समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो इस डेलीगेशन में शामिल थे उनके घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और उन्हें संभल जाने से रोक दिया गया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हुए हैं उनको पुलिस जो है यहाँ पर रोक रही है और पहले ही ऐलान किया गया था कि समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो संभल जाएगा, वहाँ जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करेगा, जो हालात है उसकी जानकारी लेगा और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और यहाँ तस्वीर देखिए कि पुलिस के लोग हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे बातचीत हो रही है कि किसी भी तरीके से वो संभल ना जाए क्योंकि वहाँ पर जो है धारा 163 लागू है और उसी को लेकर माता प्रसाद पांडे लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं और यहीं पे ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से इनको रोका जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीर में कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है यहाँ पर तैनात है, जगह जगह जो है वहाँ पुलिस बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो इस तरीके से जो है एक तरीके से देखा जाए तो माता प्रसाद पांडे को रोकने की पूरी जो है वह तैयारी है और यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है उसकी गाड़ियाँ देखिए आड़ी तिरछी लगी हुई है और इसमें जो है पूरी जो है सतर्कता बरती जा रही है, यानी एक तरीके से कहा जाए तो पुलिस के लोग यहाँ पर माता प्रसाद पांडे के घर पे हैं और वहाँ पर उनको रोकने की जो कोशिश है वो जारी है, लेकिन माता प्रसाद पांडे लगातार संभल जाने की जिद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। रविदास जी, आप लोगों को रोका जा रहा है, अब आगे क्या करना है? देखिए, ये लोकतंत्र की हमला हत्या है। हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर शांति अमन चैन कायम हो। जिन लोगों की 5 लोगों की हत्या हुई है उनको हम लोगों से मिलेंगे, जो घायल लोग हैं उनसे मिलेंगे और उन लोगों का सही इलाज हो और वहाँ अमन शांति चैन कायम हो, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। न्यायिक आयोग भी पहुँचा हुआ है, न्यायिक आयोग की जांच पर भरोसा है आपको? तो न्यायिक आयोग पहुँचा है तो हम लोगों के पहुँचने से क्या आपत्ति है सरकार को? जो न्यायिक आयोग के लोग हैं हम लोग उनके पास जाएंगे, जनता बिना डर के उनको बयान दे। न्याय आयोग पहुंचा है और डीएम और एसएसपी डरा करके धमका करके लोगों के बयान करा रहे हैं, इससे निष्पक्ष जांच नहीं होगी। हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से जांच कराई जाए। तो साफ है कि ये रविदास मेहरोत्रा है। रविदास मेहरोत्रा ने साफ कहा है कि इसमें जो है उनको जाना चाहिए, वो जाएंगे तभी लोग वहां पर बातचीत करेंगे और संभल के जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सकेगा। कैमरामैन पवन के साथ अनिश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। तो संभल जाने से रोके जाने पर माता प्रसाद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर पुलिस का पहरा क्यों है? मीडिया जा सकती है तो हम क्यों नहीं जा सकते? आगे की रणनीति कुछ देर में बताएंगे, ऐसा माता प्रसाद का कहना था। पीड़ितों से मिलने के लिए संभल जाना वो चाह रहे थे, तो संभल हिंसा की सच्चाई जानना चाहते थे। कहीं भी जाना मौलिक अधिकार है, ऐसा माता प्रसाद ने कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय में रणनीति बनाई जाएगी और पुलिस को नोटिस देना था अगर वो रोकना चाह रहे थे। प्रशासन का संभल न जाने को लेकर कोई नोटिस नहीं मिला, सरकार को संविधान पर विश्वास नहीं है, ये तमाम बातें माता प्रसाद पांडे ने कही। तो सपा का डेलीगेशन संभल जाना चाह रहा था लेकिन पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा का हवाला देते हुए सपा डेलीगेशन को संभल जाने से रोक दिया है। उनके संभल जाने पर रोक लगा दी गई है। सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और इस पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। माता प्रसाद पांडे की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान को सरकार मानती नहीं है क्योंकि कहीं पर भी जाना किसी का भी मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि वो संभल जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना चाह रहे थे, वहाँ की सच्चाई को जानना चाह रहे थे लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब मीडिया वहाँ पर जा सकती है तो वो लोग क्यों नहीं जा सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग रणनीति बनाई जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल था संभल जाने की चाह रख रहा था लेकिन अब प्रतिनिधि मंडल को रोक दिया गया है, तमाम सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस का पहरा है, चौकसी यहां पर बढ़ा दी गई है और सपा नेताओं को अब संभल जाने नहीं दिया जा रहा है, इस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। तमाम समाजवादी पार्टी नेता जो हैं वो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं,
किस तरीके का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है और क्या रणनीति है अब आगे समाजवादी पार्टी की? जी बिल्कुल साहिल, देखिए हम इस समय माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर हैं। माता प्रसाद पांडे कुछ ही देर पहले यहां से निकलने की तैयारी कर चुके थे लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया था। पूरी तैयारी आपको दिखाते हैं कि पुलिस ने क्या रणनीति बनाई थी। आप देख सकते हैं कि यहां पुलिस के जो वाहन है वह कतारबद्ध खड़े हैं, उसको आड़ा तिरछा रखा गया था ताकि वह अपनी गाड़ी से न जा पाए। उसके बाद माता प्रसाद पांडे लगातार ये तैयारी कर रहे थे, वो किसी तरीके से बाहर निकले, वो कह रहे थे कि हमको पार्टी कार्यालय जाने दीजिए फिर हम संभल जाएंगे। तो ये माता प्रसाद पांडे की गाड़ी है जहां से वो निकले हुए थे, इसमें करीब आधे घंटे तक वो बैठे भी रहे, लगातार मिन्नतें करते रहे, बातचीत करते रहे अफसरों से कि किसी भी तरीके से जो है उनको जाने दिया जाए क्योंकि वह संभल जाना चाहते हैं, लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं, उनके लोग वहां हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं और पूरी जो निष्पक्ष जांच है वह देखना चाहते हैं। तो इस क्रम में तमाम जो सुरक्षा है वह रखा गया। माता प्रसाद पांडे अपनी जीत पर अड़े रहे, समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा भी यहां पे थे और ये देख सकते हैं कि तस्वीर है ये माता प्रसाद पांडे के घर की जहां पे बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर हैं और यहाँ पर माता प्रसाद पांडे बैठे हुए हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं कुछ उनके साथ बैठे हुए हैं, उनसे लगातार देख रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है वह देखा जा सके। रविदास मेहरोत्रा यहाँ पर हैं, रविदास मेहरोत्रा निकल रहे हैं और पूरी तरह अब जो है फिर से एक बार निकलने की तैयारी है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता प्रसाद पांडे यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो साफ कह रहे हैं कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है और एक तरीके से उनको जो रोका जा रहा है। तो रोकने की जो पूरी तैयारी है वो यहाँ पर देखी जा सकती है और इसी के क्रम में लगातार सरकार पर वार रूप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने तानाशाही का आरोप लगाया है और अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि किसी भी तरीके से जो है संभल के लोगों के साथ वो समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी वहां पर पहुंचेगी और उसी को लेकर लगातार जो है यह सुबह से ही आप देख सकते हैं कि सरकार के खिलाफ जो विरोध है वह देखा जा रहा है। लगातार 17 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी वो प्रतिनिधि मंडल आज संभल जाने की तैयारी कर रहा था लेकिन संभल में 163 लगाई गई और उसी को लेकर किया गया। माता प्रसाद पांडे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि किसी भी तरीके से तो साफ है कि इसको लेकर जो है पूरी एक जो तैयारी है वो देखी जा सकती है। लगातार जो नेता हैं वो नेता लगातार जो है इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे साहिल कि वो किसी भी तरीके से संभल जाना चाहते हैं और लगातार इसको कहा जाता है कि संभल को लेकर जो राजनीतिकरण है वो तेज हो चुका है। कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि 2 तारीख को वो जाएंगे लेकिन फिलहाल जो संभल प्रशासन है, संभल प्रशासन की तरफ से ये कह दिया गया है कि किसी भी तरीके से जो है 10 तारीख तक किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना फिलहाल मना है और उसकी नोटिस भी जारी कर दी गई। वो नोटिस जो है माता प्रसाद पांडे को दिया भी गया, माता प्रसाद पांडे खुद उसका बखान कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो रोक रहे हैं। आखिर क्यों रोक रहे हैं? जब मीडिया वहां पहुंच सकती है, लोग वहां पहुंच सकते हैं तो हम क्यों वहां नहीं पहुंच सकते, अपने लोगों के बीच क्यों नहीं पहुंच सकते? साहिल बिल्कुल अवनीश, और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो पीड़ित परिवार से वहां मुलाकात करने जा रहा था लेकिन जब संभल प्रशासन की तरफ से इस तरह की रोक यहाँ पर पहले से लगाई गई है, नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है, उसके बावजूद सपा डेलीगेशन ने बिना किसी परमिशन के यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो प्लान है वो यहाँ पर तैयार कर लिया कि सपा का पूरा डेलीगेशन वहाँ पर जाएगा, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा और उसके बाद जब ये कार्रवाई हो रही है तो उसको लेकर लगातार राजनीति गरमाती हुई भी नजर आ रही है। अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन इसको बताया जा रहा है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई परमिशन यहाँ पर मांगी गई थी? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो तानाशाही कर रही है, माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि पुलिस का ये जो रवैया है वो ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने उनको हाउस अरेस्ट कर रखा है और सुबह करीब 8:30 जब माता प्रसाद पांडे अपने घर पे आते हैं तब से वहां पे बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात है, लगातार प्रयास करते हैं और करीब 10:30 का वक्त रहा होगा जब माता प्रसाद पांडे अपने घर से निकलने की कोशिश कर किया और उन्होंने कहा कि वो संभल जाना चाहते हैं, अगर संभल नहीं जाने तो कम से कम समाजवादी पार्टी के कार्यालय जाने दें, लेकिन पुलिस ने फिलहाल उनको रोके और उसको लेकर एक पूरी जो रणनीति है वह तैयार की गई थी और यही चीज था कि इधर आने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पे सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, वहां उनकी गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं ताकि कोई भी ना आ पाए ना कोई जा पाए, यानी एक तरीके से जो कड़ा बंदोबस्त है वह देखने को मिल रहा है और इसी क्रम में माता प्रसाद पांडे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वह सरकार का जो रवैया है वह ठीक नहीं है, इस तरीके से किसी का दमन नहीं करना चाहिए, जो संभल में हिंसा हुई उसको लेकर भी कुछ ना कुछ सरकार को रास्ता निकालना चाहिए और हमें जाने देना चाहिए। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
तो सपा प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने से रोके जाने पर माहौल गर्मा गया है। माता प्रसाद पांडे समेत पूरे प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने से रोका जा रहा है, जिसके बाद सपा में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी समाजवादी पार्टी नेताओं की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हर कोई इसका विरोध करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि संविधान का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है और संविधान को ताक पर रखकर ये कार्रवाई की जा रही है। किस समय तक संभल निकलेंगे, क्योंकि बाहर पुलिस भी लगी हुई है और कल रात में भी आपको डीएम के यहाँ से कोई मैसेज भी आया था? देखिए, ये मैसेज देते रहते, लिखित तो कुछ देते नहीं है, खाली टेलीफोन से बात करते हैं जी। आप इन लोगों से बात कर लेने दो, नहीं लेकिन हमको कुछ ये सब उनको हमको एक नोटिस देनी चाहिए नियमानुसार कि साहब हमारे यहाँ ये स्थिति, आप नहीं जा सकते। तो लिखित नोटिस तो कुछ दिया नहीं इन्होंने, केवल पुलिस लगा दी। वो लिखित नोटिस देना चाहिए हमको। आप मुझे ये बता दो, न्याय आयोग जा रहा है, अब ये प्रेस के लोग वहाँ जा रहे हैं, उनके जाने से नहीं कोई खतरा पैदा हो रहा है? अगर हम चले जाएंगे तो वहाँ अशांति पैदा हो जाएगी। घर पर भारी पुलिस लगा दी गई है, लेकिन हम लोग बहुत पहले ही सुबह घर से निकल चुके थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी घर पर गए थे। हम लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर जो 5 लोगों की हत्या हुई है, उनके परिवार के लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग उनसे मिल करके उनको संतावना देंगे। जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों को मिलेंगे और हमारा उद्देश्य वहाँ पर शांति अमन कायम करना है। और जो अधिकारी जिम्मेदार हैं वहाँ के डीएम और एसएसपी, उनको हटाया जाए और हाई कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश से जांच कराई जाए। ग्राउंड रियलिटी क्या है, घटना 24 तारीख की क्यों हुई, कौन उसका जिम्मेदार है, कैसे हुई, कमी रही, जायजा लेकर के वो हम देश के सामने रखेंगे। प्रेस के माध्यम से, सदन के माध्यम से अगर अनुमति होगी सरकार के सामने रखेंगे, चाहेंगे कि इसके इसे आधार मान करके कार्रवाई करें या जो कार्रवाई कर रहे इस पर विचार करो, सत्यता ये है। हम सरकार को कहेंगे हम जो सत्यता बता रहे इसकी आप जांच करा लीजिएगा, चुनौती देंगे। आपका प्रतिनिधिमंडल जाए उनका भी जाना चाहिए, जाके देखें वो क्या सच्चाई है। भरोसा होता तो हम क्यों जाते। देखिए, हम ही जानते हैं सरकार की आँख नाक कान जिला प्रशासन, पर जब जिला प्रशासन खुद इन्वॉल्व हो किसी मामले में, पार्टी बना हुआ हो, तो सरकार को दूसरे माध्यम भी अपनाने चाहिए।